यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश में बिगड़े मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं की फसल पककर कटने को तैयार खड़ी है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो किसानों को काफी नुकसान होगा। तेज आंधी से पक चुकी गेहूं टूटकर खेतों में भी जाएगी और इसके बाद बारिश से गेहूं का दाना खराब हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र शिलाई के अंतर्गत तमाम पंचायतों के गांव में मौसम खराब होने से किसानों को अपनी गेहूं की कटी हुई फसल की चिंता सता रही है। बाली गांव के किसानों का कहना है कि इन्हीं फसल से वो अपने पूरे साल का गुजारा चलाते हैं और अगर बार बार ऐसी बारिश होती रही तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, जो मौसम में बदलाव आया है, ये बदलाव और ख़ास करके वो चेतावनी जो कि गृह मंत्रालय और मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है 48 घंटे को लेकर के तेज़ आंधी बारिश और तूफान की जो चेतावनी है, उससे कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनके माथे पर शिकन ज़रूर आ गई है। क्या हमारे गांव में जब फसल होनी थी, अब जब हो नहीं रही तो क्या करें, कैसे चलाएं हम, और बच्चे भूखे मर जाएंगे हमारे तो, और बाकी तो इसमें हमारे के लिए भी मिलना चाहिए, किसान के लिए भी फायदा तो होना चाहिए कुछ हमारे को भी। जब हमारे पास 20-20 बोरियाँ गेहूँ की होती थी, एक बोर बिन गेहूँ की होनी कुल, तो कुछ मदद तो हमारे को दिए जाएगी थोड़ी बहुत, तो तब चला गया। ऐसा कैसे चलाना, हमने हमारे पास बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खिलाना हमसे।